आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखिए बड़ा सवाल, एमबीएमसी के ठेकेदारों से परेशान फेरी वाले क्यों हैं? क्यों जबरन उनसे पावती देकर के वसूली की जाती है? क्यों ऐसे ठेके पास किए जाते हैं जो फेरी वालों को ठेकेदार परेशान करते हैं? न्याय की उम्मीद से सैकड़ों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, देखिए पूरी रिपोर्ट। मीरा भाईंदर के फेरी वालों की शिकायत है कि मनपा के भ्रष्टाचार, उनके ठेकेदारों की दादागिरी, पावती वसूली और जबरदस्ती ठेले उठाकर उसे तोड़ देना, सामान नष्ट कर देने जैसे भ्रष्टाचार से वो अब तंग आ चुके हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। स्थानीय नेताओं ने भी उनसे लगातार झूठ बोल बोल करके वोट लेते रहे, मगर उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। अब फेरी वाले इतने परेशान हैं, क्या कहते हैं वो, आइए सुनते हैं। पादी भाड़ अपना माल ले जाओ, टोटल 150 रुपए लेते हैं पावती दिन का। अभी पावती क्या है, डेली पर दिन बढ़ता जा रहा है पावती। पावती तो डेली बढ़ रहा है, अभी क्या दूसरा ठेका लिया, फिर अगले महीने तो बोल रहा है पावती बढ़ाऊंगा। हम लोग तो पार्टी का माल जो है जाए छुपा के रखा था, फिर भी उठा के लेके चला जाता था। पैसा भी मनमानी वसूलते हैं और बीएमसी वाले मनमानी काम भी करते हैं। जब मस्जिद तक किसी का गाड़ी उठा लेंगे, किसी का माल उठा लेंगे, मनमाना वसूली हो रही है और फेरी वाले के ऊपर महानगर पालिका ध्यान नहीं दे। ये बिना किसी लिस्ट का, बिना कुछ बताए क्या सामान ले गए, किसी को पता नहीं चलता है। और कल जब जाते हैं और हर जगह पे वसूली करने का जो ठेका दिया है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए जो 2014 कानून बना है उसका इम्प्लीमेंट हो, कानून का इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए हम लोग कोशिश काम करते हैं। सर मैं छोटा मोटा फ्रूट वगैरह लगाता हूँ, एयरफोन वगैरह हो गया रोड पे इधर स्टेशन के पास में। तो क्या हुआ आप बता रहे हैं, आपके साथ में कुछ मालक भर के उठा के लेके चले गए, टेन पार्टी से तोड़ रखे। उसके बाद में चार पांच दिन छह सात दिन दौड़ाया दौड़ाया, उसके तीन रखा हुआ पौधी फाड़ते हैं। पौधी फाड़ अपना माल ले जाओ, कोई पौधी फाड़ के माल लेकर आया और माल में भी कम मिला, ये सब हमेशा होते रहता है। माल भी हमेशा ये होता रहता है। तो ये कितने दिनों में, आपको क्या लगता है कितने दिनों में ये लोग ऐसा करते हैं? 15 दिन, महीना, कैसा, कितना? 15-20 दिन पे। और रेगुलर आपसे पावती भी लेते रहते हैं? माल ले जाएंगे। और जब आप माल ले जाते हैं तब कोई पावती बना के देते हैं आपको? नहीं, माल ले जाने तो वो कैसे कि जो जितना माल ले गए उतना ही वापस दिया, ये कैसे पता चलता है? वो कुछ नहीं, जितना मिला है सामने वो लेके आना पड़ा। अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर वो भी नहीं देंगे, दूसरे बार ज्यादा। तो आपको डर है, मतलब कहीं इन्होंने ऐसा एक तरह का डर बना रखा है, माहौल बना के रखा कि जैसे आवाज खोलेगा तो अगली बार इसको लपेट लो। माहौल बना हुआ है तो अब आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा? कुछ ना कुछ आएगा। और ये पावती वाले आपको तंग करते थे? पावती क्या है, डेली पर दिन बढ़ता जा रहा है पावती। पावती तो डेली बढ़ रहा है, अभी क्या दूसरा ठेका लिया, फिर अगले महीने तो बोल रहा है पावती बढ़ाऊंगा। मतलब ठेका दिया गया किसी को, फिर पावती बढ़ाएगा? तो अभी आपको ये उम्मीद है कि ये आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके ये जो समस्या है इसको आप खत्म करेंगे मीरा भाईंदर के अंदर? जी, आपका नाम पहले मैंने पूछा, जुन्ना कुशवाहा जी, आपको अभी कितनी पावती आपसे ली जा रही है, कितना पैसा लिया? तो एक जगह पे सर जी लेते हैं 70 रुपया लेते हैं, एक जगह पे 50 रुपया, एक जगह पे लेते हैं 30 रुपया, ऐसा करके टोटल 150 रुपये लेते हैं पावती दिन का। अच्छा, ये पावती लेने के बाद भी गाड़ी कभी भी आ सकती है, कभी भी उठाते हैं? कभी भी उठा सकते हैं, ये अपनी मर्जी की काम करते हैं। फिर ये ले जा करके आपको वो आपका सामान वापस करते हैं? नहीं करते हैं। पैसा लेते हैं तो छोड़ते हैं, पैसा ले करके फिर छोड़ते हैं उसका। ये जो पावती 150 रुपए तक अभी आप भर रहे हो, और जब आपका ठेला या कुछ ले जाते हैं तो कितने पैसे लिए जाते हैं आपसे? पैसा कभी 800 रुपए लेते हैं, कभी 1200 लेते हैं, कभी 1000 लेते हैं, तो छोड़ते हैं ठेला। जैसा व्यापारी उसके साथ वैसा। एक कांटा का बोलेंगे तो 500 रुपए लेते हैं सर जी। अच्छा, और बीच में तो ये जो ठेला वगैरह उठाते थे उसको तोड़ भी देते थे ऐसा? तोड़ भी देते हैं। आपसे आपका नाम बताइए। अवधेश प्रसाद। तो बीच में ये जो सुना था ठेला उठाते थे इसको वापस नहीं करते थे, तोड़ देते थे।
क्या वजह थी उनकी, क्या बोलते थे? आपने कभी मांगा कि हमारा पैसा ले लो और ये हमको हमारी गाड़ी तो वापस कर दो? और जो थैले में जितना माल था वो भी उठा के ले जाते थे, वो भी नहीं देते थे? और उसके अलावा भी वो आपसे 800 लॉकडाउन में हम लोग को बाकी का माल जो है छुपा के रखा था, फिर भी उठा के लेके चला जाता था। क्या बोलते हैं आपको? आपने बोला नहीं हम पावती भरते हैं आपकी? वो पावती भरने के बावजूद, पावती लॉकडाउन में, दूसरा लॉकडाउन में पावती नहीं लगता था, लेकिन माल छुपा के रखे थे हम लोग साइड में रखे ना, उठा के लेके चले जाते थे। इसके खिलाफ आप लोगों ने कहीं पे भी बोला होगा तो कोई सुनवाई होती नहीं है? नहीं, पावती की समस्या ऐसा थी। अच्छा, एमपी वाले जो भी है मनमानी काम करते हैं अपना, और जो रोड का है टेंडर भी दे देते हैं, और वो टेंडर वाले पैसा भी मनमानी वसूलते हैं, और बीएमसी वाले मनमानी काम भी करते हैं। जब मर्जी तब किसी का गाड़ी उठा लेंगे, किसी का माल उठा लेंगे, आधे माल मिलेगा तो आधे माल मिलेगा ही नहीं दो दिन बाद। जब मर्जी रात को 12 बजे आके कि मेरा ही गाड़ी जो कि रोड से गटर से हट के 8 किलोमीटर अंदर दुकान के अंदर, दुकान के पास से सेटर के पास से गाड़ी उठा के तोड़ दिया लो, जो कि उस पर 8 जाली माल भी था, गाड़ी भी था, कांटा भी था, आधा माल उठा ले गया लो, गाड़ी भी तोड़ के उठा ले गया लो, बस वही 3-4 जाली खाली मिला और गाड़ी एक कांटा मिला, बाकी सब तोड़ ताड़ के उठा ले गया। खाने वाला कौन था? राकेश। वो कौन है? कौन है ये मनपा का कोई अधिकारी है? राकेश था, मनपा का तो बोलता है सब लोग अधिकारी है। अधिकारी क्या नाम है? फेरी वाला खुद हूँ, फेरी वाले के साथ में मिल के ये लोग का दुख दर्द को समझता हूँ। मीरा भाईंदर में कम से कम 10,000 से 12,000 फेरी वाले हैं, और लाइसेंस के नाम पे एक सर्वे महानगर पालिका ने की, जिसमें 7,212 फेरी वालों का सर्वे हुआ, उसका लाइसेंस देने के लिए प्रक्रिया की गई, लेकिन इन लोगों को लाइसेंस न दे के इन लोगों को घुमाया फिराया जा रहा है, और डॉक्यूमेंट के नाम पे ये लोग गुमस्ता डोमिसाइल मांग रहे हैं। जो फेरी वाला 25-30 साल से धंधा कर रहा है, नगर पालिका उस बाजार नीलाम करती है, उसमें करोड़ों रुपये कॉन्ट्रैक्ट में देती है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बाजार फीस वाले जो है एक पावती जो पहले नगर पालिका ने इशू किया था 25-50-75 था, 3 पावती इशू किया था, 1 वर्ग मीटर का पहले ये लोग 25 रुपये किए थे, उससे जो ज़्यादा जो जगह था उसमें 50 तक का था, और जो बाकड़ा लगाता था उसमें 75 का था। तो महानगर पालिका ने ठेका नगर पालिका को ने दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला जबरदस्ती इन लोगों को 75 और 80 रुपये का पावती देता है, जबकि महानगर पालिका की तरफ से अभी मौजूदा हालत में 59 का GST जोड़ के 59 का पावती मिला है, और 89 का 2 पावती मिला है, तो 79 का 2 पावती मिला है। तो इस हिसाब से इन लोगों का जो छोटा पावती है, जो बाकड़ा लगाता है, छोटा पार्टी लगाता है, तो उसके लिए छोटा जो धंधा करता है तो छोटा पावती वो लोग नहीं, जबरदस्ती ये लोग 80 रुपये का पावती दे गए, 100-200 रुपये लेते हैं। एक सुबह में मार्केट लगता है अपना स्टेशन के पास, वहाँ पे जितने फेरी वाले रहते हैं वहाँ पे उन लोग ये लोग पावती नहीं देते हैं, वही अगर धंधे वाला 10 बजे के बाद अगर किसी मार्केट में आता है तो उससे जबरदस्ती 70 रुपये लिया जाता है, फिर शाम को वो धंधा अगर करने के लिए दूसरे जगह जाता है तो 30 रुपये करके उससे वसूली किया जाता है। ऐसा करके मनमाना वसूली हो रही है, और फेरी वाले के ऊपर महानगर पालिका ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन पर सर्वे हुआ है लेकिन तो लाइसेंस के लिए नगर पालिका अभी तक नहीं दे रही है। जितना सर्वे हुआ है उन लोगों को लाइसेंस जल्द से जल्द दे, और जो फेरी वालों का प्रॉब्लम है, हम लोग 20-25 सालों से फेरी वालों के साथ में रह के इनको जो दुख दर्द है समझ रहे हैं, और इनके हक की लड़ाई के लिए हम लोग हमारी पार्टी में इनकी आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ नगर पालिका से लेके आगे मंत्रालय तक आगे भी देंगे। फेरी वालों का जिस तरह से नगर पालिका द्वारा तकलीफ दिया जाता था, ये तंग आकर के इन लोगों ने थाने कोर्ट में एक केस फाइल किया, सब लोगों ने मिलकर के 5 सूट फाइल किया था, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दिया नगर पालिका को कि आप इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इनका सामान नहीं उठाएंगे, तो नगर पालिका के जो लोग थे उस आर्डर से परेशान होकर के और जल करके फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थाने के यहाँ अपील फाइल किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय ने भी इनके साथ न्याय किया, नगर फेरी वालों के साथ, और वो आर्डर को कंटिन्यू रखा। अब उस आर्डर के खिलाफ इन लोगों ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है, 5 रिट पिटीशन फाइल किया है, तो हम लोगों ने वो रिट पिटीशन का रिप्लाई डाला है, और उसमें मांग है कि
नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे जितने पक्का मार्केट बना करके फेरी वालों को देना है उस हिसाब से पहले उनको मार्केट दो, उसके बाद उनको डिस्टर्ब करो। यहाँ पे कम से कम 20 से 22 हमारे जानकारी में 24 फेरी वाला मार्केट नगर पालिका के अंदर में पास है, लेकिन इन लोगों ने वो सभी मार्केटों को किसी न किसी अपने खास आदमी को दे दिया है और उसका वो लोग कब्जा करके और अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन फेरी वाले एक भी मार्केट पक्का बना करके फेरी वालों को मिला नहीं है। और जो पथक कानून बना हुआ है, पथक कानून के तहत एक समिति बनाई जानी चाहिए और वो समिति में 40% फेरी वाले लोगों को लेना चाहिए और जो विकलांग और बाकी जो लोग उनको लेकर के उसके बाद इनको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा फेरी वाला जोन रहेगा, कौन सा ना फेरी वाला जोन रहेगा। अभी तक इन्होंने ना सर्वे कराया है ना समिति बनाया है और मनमाना तरीके से जिधर इनको लगता है उधर ही ना जोन फेरी वाला डिक्लेयर करके और सामान लेके जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या मीरा भाईंदर में यह है कि जब भी ये सामान उठाते हैं तो कानून के हिसाब से जो भी सामान उठाते हैं उनका एक लिस्ट बनाना चाहिए और वो लिस्ट इनको देना चाहिए और सामान ले जाके रिकॉर्ड रूम में रखना चाहिए। ये बिना किसी लिस्ट का, बिना कुछ बताए क्या सामान ले गए किसी को पता नहीं चलता है, और कल जब जाते हैं अपने सामान को क्लेम करने के लिए तो इनका सामान आधा मिलता है, आधा मिलता भी नहीं है। इस तरह से पूरा नगर पालिका के अंदर लूट मची हुई है। मैं आपके माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से मीरा भाईंदर की पूरी फेरी वाली यूनिटी को, यूनिट को और मीरा भाईंदर की जनता को भी ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी अभी हमन बना लिया है कि सड़क से संसद तक और रोड से न्यायालय तक इनकी लड़ाई लड़ेगा और उनको न्याय दिला करके हम रहेंगे। और अगर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भेजा तो मीरा भाईंदर के जितने फेरी वाले हैं सबको अस्थाई मार्केट बना करके हम हैंडओवर करेंगे। परेशानियां हैं फेरी वालों की और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको देख करके ये यहाँ का ऑफिस खोला गया, क्या कहना है आपका? क्या करना के अंदर काफी जो जगह है वो रिजर्वेशन है फेरी वाले लोगों के लिए, पर यहाँ की नगर पालिका जो है वो उस रिजर्वेशन को डेवलप करके उन लोगों को हैंडओवर नहीं कर रही है। और अभी भी मीरा भाईंदर के अंदर फेरी वाले लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। 2014 का जो कानून फेरी वालों के लिए बनाया गया था उसका कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसी को देखते हुए मीरा भाईंदर के अंदर आज ये फेरी वाली यूनिट खोली गई है और फेरी वालों का आवाज़ सड़क से लेकर हम लोग न्यायालय तक इसके लड़ने की हम लोग ने पूरी तैयारी की है। आने वाले समय में हम फेरी वाला जो है उन लोगों को पावती मुक्त, क्योंकि उनके जो पावती दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो हम ये अभी उनको पावती मुक्त फेरी वाले लोगों के लिए सुविधा देने की 2014 का, तो उसके ऊपर भी आप कानूनी तौर पर उनकी मदद उसी कार्य को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है मीरा भाईंदर में कोशिश में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो है वो ठेकेदारों को जो है वो पावती फाड़ने का ठेका और हर जगह पे वसूली करने का जो ठेका दिया है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करते हुए जो 2014 का कानून बना है उसका इम्प्लीमेंट हो, कानून का इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए हर तरह की जो भी मदद, लड़ाई हम लड़ने के लिए कोई, हमने जैसे बताया आपको अगर उनके लिए कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़े तो मीरा भाईंदर में करेंगे और न्यायालय में भी इस लड़ाई को हम लेकर जा रहे हैं और न्यायालय में भी हम लड़ाई करेंगे। क्योंकि अब तक जितनी भी पार्टियां आई उन्होंने फेरी वालों के साथ झूठा आश्वासन, झूठे वादे किए और कहीं ना कहीं ये जो फेरी वाले के नाम पे जो पैसे वसूले जाते हैं उसमें बहुत बड़ा करप्शन है और इस करप्शन को कोई खत्म करना नहीं चाहता, चाहे वो जो भी पार्टियां मीरा भाईंदर में हो। आम आदमी पार्टी जिसे कि आप जानते हैं कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो ये करप्शन को भी मीरा भाईंदर में आम आदमी पार्टी खत्म करेंगे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर ने फेरी वाला यूनिट प्रक्रिया शुरू करने के साथ साथ भाईंदर पश्चिम में अपना नया कार्यालय खोला जिसका मकसद है फेरी वालों की मदद करना। सालों से मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ठेकेदार पद्धति द्वारा ठेकेदार वसूली के नाम पर अपनी दादागिरी मनमानी करते हुए फेरी वालों को परेशान करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, जिसके खिलाफ फेरी वाले अब आवाज उठाते हुए आम आदमी पार्टी के साथ आए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की लीगल टीम और आम आदमी पार्टी इसे किस तरीके से अंकुश करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। एमबी न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर।